चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में आज दोपहर बिजनेस एडवाइजरी की बैठक होनी है, तो आज दोपहर बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा भी रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री कौलपर गुर्जर भी शामिल होंगे। तो देखिए, बजट सत्र की अवधि पर फाइनल मोहर लगेगी। कल से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा, तो कल से 28 फरवरी तक बजट सत्र का संभावित शेड्यूल है। 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए इस बैठक को लेकर अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है आज और तमाम जितने भी नेतागण हैं वो आज शामिल होंगे, तो अवधि पर फाइनल मोहर लगेगी आज बजट सत्र की। बिल्कुल, देखिए बीएसई की बैठक को माना जाता है, बीएसई की बैठक में सत्र की अवधि पर जो है वो मोहर लगती है, कितने दिन सत्र चलेगा। फाइनल मोहर बीएसई की बैठक में ही लगती है और ऐसे में कहीं ना कहीं टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो विधानसभा के सत्र का जारी कर दिया गया है। 30 से और 8 माफ कीजिएगा 28 फरवरी तक जो है ये सेशन चलने वाला है। इससे पहले जो सेशन की अवधि थी वो बताया गया था कि 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो है वो सेशन चल रहा था। अब कहीं ना कहीं फाइनल अवधि पर मोहर आज की इस बैठक में लगने वाली है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये तमाम जो लोग हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और सत्र की अवधि को लेकर आज कहीं ना कहीं इस बैठक में जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा। कितने दिन का ये सत्र रहेगा, कितना बिजनेस है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सत्र की अवधि पर जो है वो फैसला लिया जाता है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए कल से 28 फरवरी तक बजट सत्र का संभावित शेड्यूल है और 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल प्रदेश का बजट पेश करेंगे।